माँ अम्बे में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मकर राशि जून 2022 में ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा, इसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा, इसी को लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे। यह जन्म राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जून के महीने में मकर राशि वालों में के लिए तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य 16 जून को मिथुन राशि से गोचर करेंगे, शुक्र 18 जून को वृषभ राशि से गोचर करेंगे और मंगल 27 जून को अपनी स्वराशि मेष राशि से गोचर करेंगे। इसका जीवन में आपके स्वास्थ्य पर, आपकी शिक्षा पर, आपके प्रेम प्यार पर, आपके व्यवहारिक जीवन पर, आपके भाग्य पर, आपके कैरियर पर, आपका लाभ भाव पर और आपके धन भाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की आज हम लोग चर्चा करें। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज है। कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो जून के महीने में स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन बच्चे की स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी होने का चांस है, जिसके कारण आपका आपको मानसिक तनाव महसूस होगा, आपके आपको चिड़चिड़ापन आ सकती है, इसलिए धैर्य और शांत से काम ले। आपकी शिक्षा का भाव पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव राहु के साथ गोचर कर रहे हैं 18 जून तक। तो 18 जून तक आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपके मन में कई तरह की दुविधाएं होंगी कि मैं जो पढ़ रहा हूं क्या सही है, कि कुछ और कर पढ़ना चाहिए या कि कुछ और करना चाहिए, इस तरह का आपके दिमाग में उथल पुथल रहेगा। लेकिन 18 जून के बाद जब शुक्र पंचम भाव में आएंगे, अपनी स्वराशि में आएंगे, वृषभ राशि में आएंगे, तो फिर आपको पढ़ाई में मन लगेगा और फिर आप जो भी प्रतियोगिता परीक्षा 18 जून के बाद देंगे उसमें सफलता मिलने का पूर्ण योग है। प्रेम प्यार की बात करें तो प्रेम प्यार जो है भी पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। तो प्रेम प्यार तो आपका अच्छा रहेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास और मजबूत होगा, आपको अपने साथी के प्रति कुछ अपेक्षा रहेगी और इसमें वो सफल होंगे। इस दौरान आप कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अगर व्यवहारिक जीवन की बात करें तो व्यवहारिक जीवन सप्तम भाव से देखा जाता है और सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा हर सवा दो दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं।
तो वैवाहिक जीवन तो आपका अच्छा रहेगा, मन चंचल रहेगा, कभी लाइफ पार्टनर के प्रति अच्छी सोच बनेगी और कभी कुछ तू तू मैं की स्थिति हो सकती है। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य नवम भाव से देखा जाता है और नवम भाव के स्वामी बुध पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य का आपका साथ मिलेगा, करियर की बात करें तो करियर आपके दशम भाव से देखा जाता है और दशम भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और जिनकी सप्तम दृष्टि भी दशम भाव पर पड़ रही है तो आपका जो करियर होगा मैं थोड़ी सी मुश्किल भरा होगा, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो परिणाम आपके अनुकूल नहीं होगा, निराशा हाथ लगेगी। आपको अपनी पढ़ाई के लिए माता पिता से डांट भी पड़ सकती है क्योंकि वे आपके मेहनत से संतुष्ट नहीं होंगे। प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय कुछ नया सीखने की प्रेरणा मिलेगी जो भविष्य में उनको काम आएगी। ऐसे में किसी भी अवसर को अपने हाथ से जाने ना दे। लाभ भाव 11th हाउस से देखा जाता है और 11th हाउस के स्वामी मंगल तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। मंगल जब 27 जून को चतुर्थ भाव अपने मेष राशि में आएंगे और उनकी आठवीं दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पर तो 27 जून के बाद आप जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आपके लाभ होने का पूर्ण योग है। 27 जून से पहले थोड़ा लाभ कम होगा। अगर धन की बात करें कि धन का आगमन कैसा होगा, ये द्वितीय भाव से देखा जाता है और द्वितीय भाव के स्वामी खुद स्वराशि अपनी कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि से गोचर कर रहे हैं तो धन का तो आगमन होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत परेशानी है उसे निजात पाने के लिए शनि के बीज मंत्र का 108 बार सूर्यास्त के बाद जाप करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाएं क्योंकि शनि की 7.5 भी यहाँ पर चल रही है, इसलिए कुछ अच्छे कामों में आपकी रुकावटें आ सकती हैं। जैसे धन का आगमन है, धन का आगमन होने का योग है लेकिन 7.5 के कारण उसमें रुकावटें थोड़ी आ सकती हैं। इस तरह से मकर राशि जून 2022 के वक्तव्य पर विराम लगाता हूं।
अगर आपको वीडियो पसंद हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।